बहुत बढ़िया, अब आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया तो हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको जो फॉर्म भरना है उसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से आपको सही तरीके से उसे भरना है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं स्टेप बाई स्टेप, पूरी प्रोसेसिंग बताने जा रहे हैं। ध्यान रखें कि जो मैं प्रोसेसिंग बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, क्योंकि यदि आप प्रोसेसिंग ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आपका फॉर्म कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, जिसके कारण आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, ना ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना आए। इसलिए मैं डिटेल में बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भरना है। जैसा कि आप जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की तरफ से संपदा की वैकेंसी एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें टोटल पोस्ट 27,500 के समथिंग निकली है। इसमें देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, 12 पास होना जरूरी है। 12 पास के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी देखिए, आप नॉर्मली 12 तो आपके पास होगी, यानी कि 12th आपने पास कर ली होगी, और जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है 3 महीने का, तो वह नीलिट के थ्रू जो आपका जारी हुआ है वह सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट, ये दोनों चीज़ों के थ्रू ही यदि आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे और आप ये फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, इसमें मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ डिटेल में। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इस फॉर्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको कैसे भरना है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेसिंग बताऊँगा किस प्रकार से भरना है। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल पर कमेंट भी करें जो भी आपको प्रॉब्लम हो, और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। इससे हम लोगों को पता लगता रहता है कि वीडियो में आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना आपको अच्छा लगा है। और यदि देखिए दोस्तों, क्या होता है, सब लोग नॉर्मली कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि यदि आपको बाद में ये पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप करके देखें नॉर्मली, और यदि आपको बाद में कहीं भी लगे कि हमें ये वीडियो यूज़फुल नहीं हुआ है या थोड़ी सी भी इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है काम की, तो आप वापस से हमारे चैनल पर आकर इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाई स्टेप देखें और अपना पूरा कम्प्लीट सही तरीके से अपना फॉर्म भरें। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और डिटेल देना चाहूँगा मैं, ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूपी जो आपके विभाग का नाम है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब भर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग। तो देखिए, इसमें आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है UPSRTC, इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट के थ्रू इसकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें देखिए टोटल जो वैकेंसी है, टोटल पोस्ट कितनी है, 21,700, लेकिन ये अभी ट्रेंडिंग में बढ़ के 27,500 की समथिंग हो गई है, यानी कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये वैकेंसी आ निकली है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पद कौन कौन से हैं, पद देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारे पद हैं, यूपी बस कंडक्टर, ड्राइवर, ऑपरेटर, क्लर्क, ठीक है ना, असिस्टेंट रीजनल, ये मैनेजर, प्रिंसिपल मैनेजर, ये काफ़ी सारी पोस्ट इसके सामने बेहतरीन सामने आ रही हैं। और ये आप देख सकते हैं ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, किस एज के लोग, ये 18 साल से 35 साल के लोग, 45 साल के बीच के सारे कैंडिडेट जो एप्लीकेबल हैं इसके एज के बीच में हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देख सकते हैं इसमें देखिए जॉब का टाइप क्या है, आपके सामने लिख के आ रहा है, ये मैंने आपके लिए पहले से ही रेडी करके रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल, यही देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब है पूरा आपका। और इसमें आप देखिए सैलरी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, 9 से 10 हज़ार, लेकिन आपके लिए और भी अच्छी खुशखबरी है, ट्रेंडिंग में अभी आप और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये नीचे ऑफिशियल वेबसाइट दी जा रही है UPSRTC, इस पर जाकर आप और इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी ले सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। उसमें सैलरी को बढ़ा दिया गया है, जिसमें 12,500 से लेकर 29,000 के समथिंग हो चुकी है, और यह जो आपका फॉर्म बनने वाला है वो अप्लाई ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, बस 2 मिनट और, इसके बाद हम अपने फॉर्म की प्रोसेसिंग की ओर चलते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक भी चीज़ यदि आपने छोड़ दी तो समझ लो कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। इस प्रकार से आप देखेंगे, ये देखिए मैंने आपके सामने एक बार पेज बना के ये मुझे नोटिफिकेशन जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त करेंगे ये है, आपके सामने ये पूरा डिटेल से दे रहा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में परिचालक पद पर बम्पर भर्ती, जो भर्तियाँ निकली हैं आखिर वो कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में निकली हैं, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के 22-20 जिलों में ये इस प्रकार से वैकेंसी निकली है। ये इटावा में 78, गोरखपुर में 406, इस प्रकार से काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ये देखिए शैक्षिक योग्यता क्या मांग रहा है इसमें, ये देखिए शैक्षिक योग्यता मांग रहा है इंटरमीडिएट तथा ट्रिपल सी, यानी कि आपके पास 12th होनी चाहिए, ट्रिपल सी होनी चाहिए।
और ये आप एज दे सकते हैं 18 साल से जो ऊपर प्लस कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम वेतन देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 12,500 के समथिंग हो गया है। और यदि आप किलोमीटर का सफ़र और ज़्यादा करते हैं तो वेतन में अधिक होने की भी उम्मीद है। और आप दे सकते हैं सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है नीचे की नोट, सभी भर्तियाँ सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएंगी। तो देखिए इस लाइन को आप बहुत गौर से आपको समझना है कि ये जो परिवहन विभाग की जितनी भी यह संपदा यूपी में जितनी भी संपदा जॉब्स निकलती हैं वो सारी जॉब्स यानी कि सभी भर्तियाँ सेवा योजन पोर्टल के थ्रू ही भरी जाती हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप नीचे देख सकते हैं sevayojan.up.nic.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्म आपको कहीं से भरने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही, किसकी, आपको सेवा योजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। सबसे पहले हम इस फॉर्म को भरने से पहले इस फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आप गूगल पर टैप करेंगे, यहां पर आपको लिख देना है UPNSRTC। ये देखिए मैंने आपके सामने जैसे फिल किया है, हम पहली वाली लिंक पर क्लिक कर दें, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस बन के आ रहा है। इस पर आप जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम, जिसमें आप देख सकते हैं SRTC स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसमें नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहते हैं और जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं आप इन सारी वेबसाइट, ये टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट और हेल्पलाइन हमेशा ओपन रहती हैं, कभी भी आप कॉन्टैक्ट करके इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहीं से आपको इसकी जॉब की जो ये भर्तियां निकालती है, सर्विसेज अपनी निकालती हैं, तो वो आपको ये देखिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलता रहता है, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय के लिए, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन दोस्तों यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो शायद आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर हो जाती फॉर्म को भरने से पहले। तो इसलिए मैं आपको अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप सीधे हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं, इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि प्लीज़ भाई, ये आप मुझको यदि भाई मानते हो, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दो। बाद में चाहे यदि आपको यूज़फुल ना लगे तो बाद में आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, अपने वीडियो की ओर चलते हैं सीधी। तो इसमें जैसा कि आपने फोटो में देखा है कि ये कह रहा है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की जो वैकेंसी निकली है उसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा है कि सभी भर्तियां सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही भरी जाएंगी। तो अपन लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सेवा योजन पोर्टल पर चलना है, क्योंकि ये वैकेंसी आपके सामने आई है ये सेवा योजन पोर्टल से ही भरनी है। अब मैं आपको सेवा योजन पोर्टल बता देता हूँ, सेवा योजन पोर्टल क्या है, मैं आपको सीधे आपको लाइव लेकर चलता हूँ कि किस प्रकार से आपको सेवा योजन पोर्टल पर पहले आपको जाना है वहाँ पर। ये देखिए मैंने ये गूगल खोल लिया, यहाँ पर मैं लिख दी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा नॉर्मली सेवा योजन, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। जैसे इस टाइप का इंटरफेस आया तो पहली लिंक लिखा हुआ है रोजगार संघ, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। देखिए यह है sevayojan.up.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है क्योंकि गवर्नमेंट यानी कि अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी भी सरकारी नौकरियाँ, संपदा आउटसोर्सिंग नौकरियां, रोजगार मेले वगैरह जो कुछ भी वो अपनी तरफ से जॉब्स निकालती हैं उत्तर प्रदेश के हित के लिए, वो सारी जॉब्स के लिए आप यहीं से फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए तो इस पोर्टल पर प्रत्येक स्टूडेंट का जो यूपी का है उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। यदि उसका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो बहुत काफ़ी सारी जॉब्स के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए आपको भी इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि यदि आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो समझ लो कि आप यूपी की तरफ से निकलने वाली सारी आउटसोर्सिंग एंड संपदा जॉब्स आप किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो पहले इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों इस पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग बताई गई है, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिए आपके सामने जो थंबनेल बनकर आ रहा है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो की लिंक में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके सीधे अब वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने इस सेवा योजन पोर्टल की भी ऑफिशियल वेबसाइट की आपको वहीं पर लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर सीधे अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, वो आपको मिल जाता है। जो आपको आईडी पासवर्ड आपके द्वारा आपको मिलता है तो उस आईडी पासवर्ड का प्रयोग करके आपको देखिए किस प्रकार से अपने इस फॉर्म को भरना है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, आपको जिस फॉर्म का इंतजार है बेसब्री से, हम सिर्फ उसी फॉर्म की बात करेंगे। जी हाँ,
ये देखिए आपके सामने जो वैकेंसी है, इस फॉर्म को हम किस प्रकार से अपनी आईडी को लॉगिन करके इस फॉर्म को भरेंगे। इसी फॉर्म को भरने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है दोस्तों। तो अब हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, देखिए सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो आईडी और पासवर्ड मिली है, तो सबसे पहले आपको रोजगार संगम जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी है उस पर क्लिक करते ही आपको इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। और ये आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने ये चार ऑप्शन बन के आ रहा है जहाँ पर लिखा है जॉब सीकर्स, आउटसोर्सिंग, गवर्नमेंट जॉब्स। इन पर चार में से किसी पर भी क्लिक कर दीजिए, चार पर क्लिक नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देखिए साइन इन और लॉग इन का ऑप्शन आता है सबसे नीचे, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। देखिए साइन इन उनके लिए होता है जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है, जो लॉग इन वाले होते हैं उनको पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड होती है, तो आप यहाँ पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो एक्सपीरियंस से किसी पर भी क्लिक कर दूंगा, क्योंकि वो कह रहा है आपको कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, आप जॉब सीकर से ये लॉगिन करना चाहते हैं या आउटसोर्सिंग जॉब, प्राइवेट जॉब ढूंढना चाह रहे हैं या रोजगार मिले या गवर्नमेंट जॉब। तो मैं तो अभी फिलहाल में लॉगिन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, उसका आईडी भी है, पासवर्ड है। यदि आपके पास नहीं है तो आप वीडियो को पूरा देख के अपनी रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी और पासवर्ड पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसका नहीं है, यहाँ पे न्यू यूज़र के थ्रू आप न्यू पर क्लिक करते ही अपना ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने इसका पूरा वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी मेरा तो है ही रजिस्ट्रेशन, तो मैं तो लॉगिन करूंगा, ये फिर से लॉगिन आ गया हूँ। यदि आपका पहले से भी कोई रजिस्ट्रेशन है और यदि आप फॉरगेट पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं आईडी वगैरह, तो यहाँ से उसको फॉरगेट पासवर्ड करके दोबारा से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपनी आईडी यहाँ पर फिल करूँगा, ये मैंने अपना आईडी डाली है, मैं यहाँ पर पासवर्ड अपना डालूंगा। ये देखिए हमने आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लिया है, इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते हैं, मेरे सामने पूरा मेरा प्रोफाइल बन के आ जाता है। आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल बन के आ चुका है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये मेरा प्रोफाइल बन के आ गया है। इस प्रोफाइल में देखिए आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इस डैशबोर्ड को किस प्रकार से यूज़ करना है, इसमें क्या क्या होता है, मैंने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो सीधे सीधे आपको उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन और इसके अंदर का पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। अभी हम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि जिस हम जॉब के लिए परेशान हो रहे थे उसका फॉर्म हमें कैसे भरना है। तो देखिए उसका फॉर्म ऐसे भरना है आपको, आपको नॉर्मली अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो जॉब सीकर का ये डैशबोर्ड बगल पे कॉर्नर में बन के आ रहा है, इसमें आपको नौकरी के लिए आवेदन करने वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आपके सामने यही दिख रहे हैं, यहाँ चार ऑप्शन हैं, रिक्त का प्रकार, समस्त के आवेदित, मतलब जितनी भी नौकरियाँ हैं वो समस्त कहलाती हैं, आवेदित यानी कि जितने आपने फॉर्म फिल किए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने आते हैं, आउटसोर्सिंग नौकरियाँ, प्राइवेट नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ, रोजगार मेला। रोजगार मेला वह जॉब है जिसमें आपको रोजगार सरकार प्राइवेट जॉब्स के लिए आपको भेजती है बाहर, ठीक है, उसमें आपको 8 से 9 हज़ार रुपये सैलरी की समथिंग मिल जाती है। आप उस पर क्लिक करके भी दे सकते हैं, जो जो सरकार ने अपनी तरफ से रोजगार मेल लगाए हैं उसमें आपको थोड़ी सी ही दूर लोकेशन पर आपको जॉब प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये 11 हज़ार सैलरी की आप देख सकते हैं, सागर सिक्योरिटी कंपनी ये देख सकते हैं सागर में है, और ये आप नीचे देखते हैं ये प्राइवेट लिमिटेड हैं काफ़ी सारी, इसमें 12 हज़ार 15 हज़ार। यहाँ से नॉर्मली इसको आवेदन करने की इजी प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जब रोजगार मिला देख लिया, अब सरकारी नौकरी भी कुछ निकालती है, चूँकि अभी सरकार ने कुछ सरकारी नौकरियाँ अपने थ्रू यूपी के लिए नहीं निकाली हैं, तो ये यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड है। और तीसरे नंबर पर दे सकते हैं आप प्राइवेट नौकरियाँ, यानी कि प्राइवेट भी नहीं गवर्नमेंट कोई निकाल रही जॉब, लेकिन ये देख सकते हैं आउटसोर्सिंग नौकरियाँ। जी हाँ दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आउटसोर्सिंग यानी कि संपद वाली जॉब्स आपको यहीं से मिलेगी, जो आपको चाहिए है, जिसकी ज़रूरत है आपको यहीं से मिलेगी। यदि वो यहाँ पर शो नहीं होती है तो आपको ये सरकारी नौकरी वाला आपको अपडेट करते रहना चाहिए, बिल्कुल चेक करते रहेंगे आप लोग, यहाँ पर आपकी जॉब बिल्कुल शो होने लगेगी। लेकिन अभी देखेंगे हमें अभी कैसे फिल करना है, तो जो लास्ट में देखेंगे हम आउटसोर्सिंग नौकरियाँ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आउटसोर्सिंग नौकरियाँ यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं, यानी कि यही आपकी संपदा जॉब्स के रूप में आप कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे, ये देखिए आपके सामने काफ़ी सारी जॉब्स बनकर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल यही एक ऐसी जॉब नहीं है जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने संपदा जॉब निकाली, और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट आपके लिए निकालती रहती है, बस आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जिसको उसकी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो लोग भर देते हैं। अब मैं आपको भरने की पूरी प्रोसेसिंग बता रहा हूँ, वैसे भी आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हो ही गया हो गया, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए सबसे नंबर एक पे लिखा है ये जे शार्प टेक्नोलॉजी ड्राइवर, यानी कि जी शार्प टेक्नोलॉजी कंपनी में ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको शिक्षा चाहिए, आपको हाई 10th पास होना चाहिए, नगर पालिका परिषद में आपकी यानी कि नगर पालिका में जॉब लगनी है, वो भी किस लोकेशन पर, ये जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट आपका
ये सोनभद्र में लगनी है आपके पास, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाला। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप वेतन आपका 10,500 रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तक प्राप्त आकमूलों की संख्या, यहाँ टोटल अभी 0, एक भी लोगों ने आवेदन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पद के लिए इतने समय यानी कि 0 आवर्स 1 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसी जॉब है जिसमें आपको वेट करना पड़ता है जॉब्स के लिए, लेकिन क्या है वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब दे रखी होती है ऑलरेडी। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कौन कौन सी जॉब निकली है। ये देखिए मल्टी प्रोसेसर वर्कर जनरल की, यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र यानी कि किसी हॉस्पिटल में गाजीपुर में जॉब निकली है। हाई स्कूल चाहिए, 11,000 से ऊपर सैलरी है। टोटल मिला के 443 लोगों ने आवेदन कर दिया है। यहाँ पर आप इस जॉब का और डिटेल जानने के लिए रिक्त विवरण पर क्लिक करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और जैसे ही आप इसको पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें तो आवेदन करें पर क्लिक करते ही ये इस जॉब के लिए आप अप्लाइड कर चुके होंगे। तो इस जॉब के लिए हम जैसे कि ये वाली जॉब हमें एप्लीकेबल करनी है, जैसे जिसमें 243 है, हम दूसरा देखेंगे क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ये देखेंगे, ये कह रहा है 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी नहीं है अपने पास, एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब वो कह रहा है देखिए स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर में तो कंप्यूटर चाहिए आपको। ये देखिए आपके हिसाब की है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें शिक्षा विभाग में कानपुर देहात में 12+ होना चाहिए। ये देखिए आपके लिए, वो कह रहा है इंटरव्यू के लिए आपको केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और सही टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँच जाएँ। और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए 11,020 रुपये आपको सैलरी पर मदद मिल रही है, और इसमें आप देख सकते हैं टोटल आवेदन हो चुके हैं 532। यहाँ से हम इसका और डिटेल लेना चाहेंगे तो रिक्त विवरण पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी और पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस कंपनी का नाम क्या है, ये किस पद नाम किस पोस्ट के लिए इस जॉब निकाली है, ठीक है, किस विभाग में निकाली है, ठीक है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मिल जाएगी। हम जूम आउट करके देखेंगे, ये देखिए डिप्लोमा कंप्यूटर रिलेटेड ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी शिक्षा समूह में आपको क्या क्या इसमें ले रहा है। वो ट्रिपल सी वालों के लिए भी है कंप्यूटर की वैकेंसी, वो लेवल का वालों के लिए भी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी सैलरी भी यहाँ पे सो रही है 11,000 से लेकर 20,000 तक, एज भी सो रही है 21 से लेकर 40 साल तक। ये उत्तर प्रदेश में ही आपको कानपुर देहात मिल जाएगी। आवेदन करना है तो यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, इसका PDF इन्फॉर्मेशन का, या फिर आवेदन यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। तो हम यहीं के यहीं आवेदन कर देते हैं। देखिए हमने जैसे क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो ऊपर 2 सेकेंड बाद शायद एक नोटिफिकेशन आएगा। देखिए हमने अभी क्लिक तो कर दिया है, ये देखिए आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ गया, इसमें लिखा है एप्लीकेबल सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है, यानी कि आपने अप्लाई कर दिया है। जैसे आप ओके करेंगे इसके बाद आप वापस यहाँ पर क्लिक कर देंगे, पहले फिर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आप अपनी ID पर लॉगिन हो जाएंगे। ये ID पर लॉगिन हो गए, देखिए मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पर जो भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है यहाँ पर उसका क्वांटिटी शो होने लगता है, आपने कितनी नौकरी के लिए आवेदन किया। देखिए मैंने अभी तक 35 जॉब के लिए अप्लाई किया, नौकरी के लिए आवेदन करें तो अभी मेरी 34 थी, अब मैंने 35 के लिए हो गया है। देखिए मैं एक जॉब पर और आपके सामने, एक जॉब पर और मैं अभी करने जा रहा हूँ, तो ये देखिए फिर से मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया और ये मैंने आउटसोर्सिंग। तो जो आपकी ये जॉब है आपकी, यहाँ पे कुछ दिनों बाद जो आप इस जॉब की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, तो जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग टोटल 5-6 दिन पहले ही इसकी नोटिफिकेशन आई हुई थी कि गवर्नमेंट ने इस वैकेंसी को जारी किया है कि बहुत जल्दी अभी ये वैकेंसी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने वाली है, और ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है सेवायोजन पोर्टल, इस पर अपलोड होने वाली है। बिल्कुल इसी ऑप्शन के थ्रू, इसी प्रोसेसिंग के थ्रू आप रोज़ अपडेट करते रहिए। इस पर आपको जिस दिन भी यहाँ पर लिखा मिल जाए कि इस जॉब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, तो आपको हाल के हाल आवेदन करना है। देखिए आप लाइव में आपको फिर दिखाता हूँ कि अभी जिस पे ये ड्राइवर लाइसेंस जिसमें ले रहे थे ड्राइवर में, अभी वहाँ पर 0 थे, वहाँ पे 1 मिनट बाद अप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन आप देखिए अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या, यानी कि इसे अभी टोटल 5 मिनट भी नहीं हुए, 6 लोगों ने इसे आवेदन कर दिया है। तो यदि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता तो हम भी इसे आवेदन कर देते, लेकिन हमारे पास है नहीं तो हम इसे नहीं करेंगे, हम इसे कर देंगे दूसरी वाली जो 11,882 है, इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो इसमें फिर से वही सिस्टम आ गया और हम आवेदन करें पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आपको पता ही है 35 वैकेंसी के लिए मैं अप्लाई कर चुका था जो संप्रदाय जॉब्स हैं, और अब ये मेरी 36 हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको फिर से अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे ये आ गया एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, ये मेरा फिर से फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे मैं फिर से डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 हो गई है। इसका मतलब ये है कि मैंने टोटल 36 जॉब के लिए आवेदन कर दिया है, और आपको भी इस जॉब से जिस प्रकार से मैं अपडेटेड रहता हूं, तो आपको भी इस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की जो है तो उसके थ्रू निकलने वाली प्रत्येक वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए आपको इस पोर्टल पर हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। और नॉर्मली आपको यहां पर क्लिक करके
आवेदन करके ये आउटसोर्सिंग वाली जॉब्स को और सरकारी ये दो ऑप्शन को आपको चेक करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी परिवहन विभाग की वैकेंसी है वो भी यहाँ पर बहुत जल्दी ही सोने होने वाली है और उसका भी आप इसी तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई केवल वही कैंडिडेट कर सकते हैं इस जॉब के लिए जिसका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो। जी हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि यदि मैं आपको देखिए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा कि वीडियो लंबा हो गया है, मैं आपको रियल बता देना चाह रहा हूँ कि उसने पहले से ही बता दिया है कि आपको इंटरमीडिएट तथा ट्रिपल सी चाहिए है और आप इस फॉर्म को सेवा योजन पोर्टल के थ्रू ही भर सकते हैं। तो सेवा योजन पोर्टल के थ्रू आप इस वीडियो को कैसे भर सकते हैं, मैंने इसी चीज़ को डिटेल में बताने के लिए वीडियो को इतना लंबा कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो थोड़ा भी लगा होगा अच्छा लगा होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन दोस्तों देखिए, यदि मैं आपका कोई और तरीका बताता हूँ तो वो शायद गलत होता, लेकिन मैंने आपको जो रियल प्रोसेसिंग है, जो सेवा योजन पोर्टल के थ्रू आपका फॉर्म भरा जाना है, तो मैंने पूरा आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के बाद आपको कैसे और लॉगिन करने के बाद आपको कैसे आउटसोर्सिंग नौकरियों पर क्लिक करके अपनी ट्रेंडिंग में निकली हुई जॉब को कैसे यहाँ पर अप्लाई करके आवेदन करना है, आवेदन करके ही आपका जैसे ही फॉर्म भर जाता है तो आप इसके लिए बस एप्लीकेबल हो जाते हैं और सीधा आपके पास आपको जीमेल पर मेल आता है। मेल कहाँ आता है, आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। यहाँ पर नौकरियों के लिए आपने आवेदन कर दिया है, यहाँ पर टोटल नौकरियाँ गवर्नमेंट ने अभी इस मंथ इतनी निकाली हैं 1141, जिसमें से नियत साक्षात्कार यानी कि आपने कितनी जगह पर आपका इंटरव्यू हो चुका है। तो मेरा तो काफ़ी जगह हो चुका है, लेकिन मैंने वहाँ किया नहीं, तो यहाँ 0 शो हो रहा है। लेकिन आपका यदि एक भी आपको अभी यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ शो होने लगेगा कुछ दिनों बाद, यदि वो आपको बुलाना चाहेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। और जैसे आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर शो होने लगेगा और आपको यदि आप इंटरव्यू क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपको वो जॉब मिल जाएगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। दोस्तों प्लीज़ यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है या थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली है तो प्लीज़ भाई प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इससे काफ़ी अच्छी सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लिविंग ऑलवेज हैप्पी लाइफ विद माइंड ब्लोइंग थिंकिंग। थैंक यू।